अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बातचीत के लिए होम मिनिस्टर ने कई बार ऑफर दी, दिनेश्वर शर्मा को अपॉइंट किया गया। जो प्राइम मिनिस्टर है वो पाकिस्तान चले गए, मगर उसके बाद बातचीत कहीं ना कहीं रुक गई। आपको याद होगा कि जो मेंबर पार्लियामेंटों की एक टीम हुर्रियत के दरवाजे पे गई, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो मैं क्या करूं। एक महीने का सीज फायर करवाया, मिलिटेंट्स ने उसका मुस्बत जवाब नहीं दिया, तो उसमें क्या कर सकते थे। देखिए, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, आज का जो मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, इसका मकसद और मुद्दा है जो हमारे कायद और मेरे वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से काम करते रहे। और उनका ये अरमान था कि मैं किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में खून खराबा बंद कर सकूं और यहाँ के हालात को ठीक कर सकूं, और वो उन्हें नक्शा दे के गए हैं, एक रोड मैप दिया उन्होंने जम्मू कश्मीर को इस खून खराबे से बाहर निकालने का। तो मेरा भी जिंदगी का मकसद यही होगा जो मुफ्ती साहब अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए, जो ख्वाब उनको अधूरा रहा है कि जम्मू कश्मीर को इस खून खराबे से बाहर निकालने का, उस ख्वाब को पूरा करने की मैं यहाँ के लोगों की मदद से पूरी पूरी कोशिश करूंगा।